तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे मुंबई के उस खबरी की जिसको अगर उसका नेटवर्क देखा जाए तो कह सकते हैं कि वो मुंबई की अंडरवर्ल्ड की या खबरियों की हिस्ट्री में सबसे बड़ा खबरी था और पढ़ा लिखा, वेरी स्मूथ ऑपरेटर, बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने वाला और कहीं से भी मांगी हुई खबर जिसका उसको पैसा मिलता था वो निकाल के ले आता था। नॉर्मली खबरी जो होते हैं, हमने कई पीछे सलीम खबरी की बात की थी, एक बार बहुत अच्छा एपिसोड बनाया था, आपको पसंद भी आया था, लेकिन उस सलीम खबरी में और इरफान चिंदी जिसका नाम था उसमें बहुत अंतर है। काम करने का समय भले एक था लेकिन तरीका और उस काम को अंजाम देने का तरीका बहुत डिफरेंट था। ये शख्स एक नागपाड़ा पाईदूनी वही एरिया जो है उसी में नागपाड़ा एरिया का जंपल, उसके बाप दादा का काम था चिंदी का। चिंदी कहते हैं कपड़े के टुकड़े को, जिसको अंग्रेज़ी में हम लोग कट पीस कह देते हैं। बड़ी फैक्ट्रीज में जब कपड़े के थान बनते हैं उनमें से जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, 35 मीटर के थान को अगर 30 मीटर का बनाया तो 5 मीटर बच गया, किसी में 2 मीटर बच गया, किसी में 1 मीटर बचा, तो वो फैक्ट्री से नया सामान लेकिन जो टुकड़ों में होता था उसको सस्ते भाव पे बेच दिया जाता था। तो नागपाड़ा में एक एरिया है जिसमें चिंदी बाज़ार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम दुकानें वो चिंदी जा टुकड़े जा कट पीस का कपड़ा बेचने के हैं। उनमें से एक दुकान इसके बाप दादा की थी और चिंदी इसके नाम से इसलिए जुड़ गया क्योंकि ये कपड़े की, चिंदी कपड़े का व्यापार करता था। अंजुमन स्कूल में पढ़ा। इसकी पूरी कहानी जो है वो इतनी परत दर परत छिपी हुई है कि उसको निकालना पूरा बहुत मुश्किल है। तो मैंने बहुत कोशिश के बाद उसके बचपन के एक दोस्त जिनको मैं आलम भाई कहता हूँ, ये अपना असली नाम तो किसी को बताते नहीं, फ़ोटो अपनी किसी को देते नहीं और कहीं से भी किसी को कुछ नाम बताया, किसी को कुछ नाम बताया। मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के 18-18, 20-20 नाम रखे हुए हैं। एक ऑफिसर इनको एक नाम से जानता है, दूसरा ऑफिसर दूसरे नाम से जानता है और इनकी अपनी कम्युनिटी के लोग इनको किसी और ही नाम से जानते हैं। वो तो बहुत बाद में कहीं पता लगता है, बहुत क्लोज हो जाओ इनके, बहुत करीब आ जाओ तो जाके कहीं ये अपना असली नाम पता बताते हैं। ये इनके धंधे का असूल है। तो मुझे पता नहीं ये आलम भाई उस लड़के का असली नाम है कि कुछ और नाम है, लेकिन बहुत सालों से मेरे टच में है और हमारे जोशी जी की तरह वो भी हमारी चैनल का एक सब्सक्राइबर है। ऐसा एक साल के अंदर उससे बातचीत होने लगी, करते करते अभी थोड़े दिन पहले ही उसने अपना असली काम बताया कि सर आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प करनी चाहता हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशन है, उसके बारे में कभी आपको ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तो मैंने कुछ दिन पहले आलम भाई से बात किया, मुझे पता चला कहीं से कि वो इरफान चिंदी का जिगरी दोस्त था और वो बातचीत करते इरफान चिंदी या चिंदी के साथ अपने रिश्तों की उसने मुझे बताया। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ हुई इसलिए मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें आलम भाई की आवाज़ बराबर नहीं सुनाई दे रही, पीछे से कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। जब मेरी कल बात हुई तो शायद किसी फंक्शन में होंगे या कोई अभी रमज़ान का समय है कहीं उसका अपनी किसी फंक्शन के दौरान वो बात कर लिए होंगे, लेकिन बाकी की जो वीडियो ठीक है उसका पोर्शन मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। आने वाले दिनों में एक और डिटेल्ड वीडियो फिर रमज़ान के बाद मैं आलम से बनाऊंगा इरफान चिंदी और इसी किस्म के और बड़े खबरियों के बारे में।
तो आलम ने बताया कि उन दोनों ने पाँचवीं जमात से लेके दसवीं जमात तक उन्होंने जो मुंबई का वो जो स्कूल था अच्छा नाम लिया था उन्होंने वो उसमें वो पढ़े अपने एरिए की। उसके बाद महाराष्ट्र कॉलेज से बीए की आर्ट्स की, तो अंजुमन हाई स्कूल में पढ़े, उसके बाद महाराष्ट्र कॉलेज में गए और उसके साथ छोटा मोटा अपने जो बाप दादा का धंधा था चिंदी का कपड़े का वो करने लगे। अब देखिए ज़िंदगी में मोड़ कैसे आता है। एक दिन अचानक इरफान चिंदी के एक बड़े भाई के हाथ से खून हो जाता है, जब खून का इल्ज़ाम लग जाता है। अब उस भाई के केस की पैरवाई करने के लिए इरफान चिंदी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता है, एक ऑफिसर को मिलो दूसरे ऑफिसर को मिलो, फिर अपने भाई के लिए खा उसकी ज़मानत के लिए भागो वकीलों के चक्कर, फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में खाना लेके जाना कपड़ा लेके जाना। तो इस तरीके से इरफान चिंदी की पुलिस महकमे से उसका आमना सामना हो जाता है और अल्टीमेटली मुझे पता चला कि ही सक्सीडेड अपनी बातचीत करने के तरीके से पैसा दे के जो कुछ भी था ही मैनेज टू गेट हिज ब्रदर फ्री। वो मर्डर चार्ज से अपने भाई को बचाने में कामयाब हो गया और वहाँ से उसकी जो एंट्री होती है वो पुलिस वालों के साथ रिश्ते की और ऐसा 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 खबरियों में एक जगह बनाने की। और करते करते तकरीबन आप समझो कि 12-13 साल उसने उस ज़माने के एक बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलासकर के साथ भी काम किया। यह नाम मैंने बहुत बार सुना था, विजय सलासकर से भी सुना था, उनके लोगों से भी सुना था कि विजय सलासकर का सबसे बड़ा खबरी इरफान चिंदी है। बड़े बड़े काम जो विजय सलासकर को चाहिए थे, लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो सबसे ज़्यादा इरफान चिंदी ला के दिया करता था। तो इसका जो खबरियों का नेटवर्क था, आलम का कहना है कि उसके पास तकरीबन 650 खबरी उसके नीचे काम करते थे। अब होता क्या है, पुलिस की एक हदबंदी होती है। मुंबई की पुलिस जब जाके थाना में या पालघर में या मुंबरा में भिवंडी में नासिक में पूना में कहीं जाके ऑपरेशन करना होता है तो कई बार लोकल पुलिस हेल्प नहीं करती है, तो उसके लिए पहले का सारा ग्राउंड वर्क जो लेग वर्क होता है वो पूरा खबरी लोगों से करवा लिया जाता है। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक खूबी ये थी कि उनके पास बड़े रिलायबल और पाए के खबरी उनके साथ काम करते थे। प्रदीप शर्मा का अपना नेटवर्क था, रविंद्र आंगरे का अपना नेटवर्क था, इसी तरह दया नायक का अपना नेटवर्क, लेकिन जो ये साउथ मुंबई और साउथ सेंट्रल मुंबई जो है जहाँ पे सलासकर का दबदबा था उस इलाके में सबसे बड़ा नेटवर्क इरफान चिंदी का था। हर केस के अपने लोगों को पैसे देता था और किसी तकलीफ़ में अगर किसी भी खबरी को कोई तकलीफ़ है उसके घर में कुछ उनकी हेल्प करता था। 17-18 बंदे रोज़ के उसके साथ बैठ के दोपहर का रात का खाना खाते थे और भी खाते पीते थे जो इनकी भाषा में लाइन में चलता है। वो उस बात का खुलासा आलम ने आज के इस ऑडियो में भी किया है। तो ये सब उसकी बचपन की बातें और विजय सलासकर के नज़दीक आके आलम ने एक किस्सा ये भी सुनाया जिसकी रिकॉर्डिंग बराबर नहीं आई, मैं फिर करूँगा। एक बार आलम को एक कोई थाने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस उसको उठा के ले गई एनकाउंटर करने के लिए, लेकिन आलम कहता है कि उसका नसीब अच्छा था कि इरफान चिंदी को इस बात की खबर लग गई। और लेकिन वो ऑफिसर जो थे कंसर्न वो चिंदी को नहीं जानते थे, उनसे रिश्ता नहीं था कोई। तो चिंदी ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से फ़ोन करवाया और आलम की जान बचाई। तो ये एक रुतबा रखते थे उस ज़माने के जो खबरी थे, हर जगह तक अपनी पहुंच रखते थे। तो इस किस्म के बहुत सारे किस्से कहानियां आलम ने सुनाई, उनमें से सबसे जो एक छुपी हुई बात थी जो खुल के सामने नहीं आती थी कि
इरफान चिंदी का मर्डर कैसे हुआ। अब देखिए, जब तक तो विजय सलाजकर जिंदा था उसकी तरफ किसी ने आँख उठा के नहीं देखा। 2008 में मुंबई हमलों में विजय सलाजकर की उनका वो डेथ होती है, शहादत होती है, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। उसके एक साल के बाद, एक साल भी नहीं, तीन चार पाँच महीने के बाद 3 अप्रैल 2009 को इरफान चिंदी का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया जाता है। आलम का कहना है कि 87 वार उसकी बॉडी पे किए गए थे। वो कैसे हुआ वो आलम आपको सुनाएगा, और जो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, उसके पीछे एक जो साजिश गिनी जाती है वो उन लोगों की कही जाती है जो 500 करोड़ से भी ज़्यादा जो IPL चलती है, हमारी इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट के मैच चलते हैं, उसमें जो पहली IPL थी उसमें कुछ जो बैटिंग का रैकेट हुआ था बड़ा 500 करोड़ का, उसका किस्सा भी आलम की ज़ुबानी उसकी आवाज़ में आप सुनिए। ये बहुत बड़े खुलासे आलम ने किए। एक मैं बात बता दूं, उसने एक जगह पे एक डब्बे का जिक्र किया है कि डब्बा आया। उस ज़माने में डब्बा पुलिस की गाड़ी को कहा जाता था, तो वो आप समझ लेना। ऐसी एक दो बातें और हैं जो खबरियों की भाषा में कुछ नए किस्म के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो सुनिए आलम का इरफान चिंदी की ऊपर हुए हमले और उसकी जान जाने की पूरी कहानी उसकी जुबानी। पूना से और कोर्ट से निकले जी, माइन दरगाह में ट्रस्टियों की मीटिंग थी, वो बताया उन्होंने। ओके, उसके बाद फिर ये प्ले हाउस पे सात टाकी के बाहर होटल में आए। ओके, वहाँ खाना खाने बैठे थे जी, तो बुरके वाली लेडीज और पे आई। ओके, इधर भाई को बुलाओ। तो लड़का जाके फायर बुला के लाया। खाना खाना खाते खाते इन्होंने हाथ भी धोए नहीं, बाहर निकले। और वो औरतें पूछी क्या हुआ थे खाला। औरतें बोली कि पापा से आपका कोई झगड़ा हुआ, तो बोले नहीं हुआ ना। वो औरतें चले गई। अच्छा, ये बात जाकिर को पता चली। जाकिर ने उन लोग को पापा को घर से बुलवाया। अच्छा, चरस पिलाया, दारू पिलाया, मटन खिलाया। ओके, प्लान तो पहले से बना था इनका। और उसके बाद फिर ये तकरीबन 1:15 के करीब घर के लिए निकले, तो चाय वाले के पास रुके। हाँ, दो पुलिस वाले इनको मिले नागपुर पुलिस चौकी से, इसका नाम रफीक था अमन लड़का। हाँ, उनको इन्होंने चाय पिलाई ना। हाँ, नवाब सिंह खड़े के सामने नागोरी के घर। ठीक है, चाय पिलाई तो लोग बोले भाई तुम्हारा ऐसा ऐसा सुनाई दे रहा ना, तो बोले नहीं आप लोग जाओ। हाँ, ये लोग कुछ करेंगे नहीं ना। ओके, रोड वहां पर पूरा खुदा हुआ था। हाँ, जिसकी वजह से वो अपने घर की तरफ गाड़ी नहीं खड़ी कर रही है। हाँ, सुरती मुल्ला अपने भाई के उधर लेके गए ना। ओके, समझे। हाँ, सुरती मुल्ला भाई के उधर लेके गए उन्होंने गाड़ी। ओके, और वहाँ वो गाड़ी खड़ी करने लगे। हाँ, तो ये लोग पहले से बिल्डिंग में आके खड़े थे ना चारों तरफ। अच्छा, तो जाकिर आया पहले बातचीत करने में, गाली गलौज करने लगा, बातों में उलझा दिया। अच्छा, दूसरे सारे लड़के आ गए ना। हाँ, तो ये बात हुई कि बोले अगर मैंने तेरे बाप को पकड़ाया हूँ, तेरा मुझे तो बोलना है। हाँ, तो कुरान शरीफ था, मैं तो एक नहीं किया हूँ, मैं कल जुम्मा की नमाज के बाद ये छोटी मोहल्ले चौकी मोहल्ले की छोटी मस्जिद में कुरान शरीफ उठाया था। ओके, फिर जाकिर ने उसके चेहरे पे एक वार मारा ना। ओरे, गाली चेहरे पे वार मारा। हाँ, चेहरे पे वार मारने से कैसा हुआ, इसको इसकी वाइफ को फोन आया दूसरी औरत का। अच्छा, जबान इसकी लड़खड़ाने लगी। हाँ, इतने में मुर्गी की गाड़ी आई। हाँ, तो लोग समझे कि डब्बा आ गया ना। हाँ, सब यहाँ भीतर भीतर हो गए। ओके, ये अपने भाई की बिल्डिंग में भागा। ओके, लेकिन वो मुर्गी की गाड़ी थी, अरे बोले मुर्गी की गाड़ी है, मुर्गी की गाड़ी ना। हाँ, सारे लड़के वापस आए, वो जो मुर्गी मोहल्ला गुजरी है ना कहीं, सुरती मोहल्ले की बात किया, सुरती मोहल्ला। हाँ, ये गली का नाम क्या मटर है, सुरती मोहल्ला है। हाँ, लोग खून देखे, खून गिरा देखे, बिल्डिंग की तरफ अंदर भाग रहे हैं ना। हाँ, इन लोग बिल्डिंग के लीज के बाद से घसीट के वापस लाए बाहर। हाँ, तो चारों तरफ से इसका मटर किया ना। ओके,
86 से 87 वार थे, ओह माय गॉड, और कई वार तो ऐसे है कि एक एक जगह वापस से रूबरू बिजली मरता वार लगे ना। हाँ। दोनों पैरों की रसों काट के पैर में पलटा दिए थे। अरे वाह। मुसलमान लोग मुसलमान लोग कुर्बानी में बकरा लटकाते ना। हाँ हाँ। पैर उसके लड़ काट दिए थे ना। बॉडी जो ड्राइवर निकल के वहां से भागा पूरी चौकी की तरफ। अच्छा। ड्राइवर जो था गाड़ी का। हाँ। वो जे जे चौकी में भागा और वहां से उसे पुलिस वालों को लेके आया। अच्छा। इसकी बॉडी गिरने के बाद क्या हुआ, बाद में छोटे में आया गाड़ी से कार से। हाँ। कार को बॉडी को देखा और एक लात मारा, कार में बढ़ के वापस चल गया। तो बाद में उसको भी मारा ना फिर मेरा ख्याल। हाँ, उसका भी बाद में मर्डर होगा। हाँ। और छोटे में के मर्डर में नाम आया राजन कंपनी का। ओके। ये गैंग वार का पहला मर्डर जिसमें आज तक कोई आरोपी नहीं मिला सर। हाँ। अच्छा, आज तक उसका आरोपी नहीं मिला कोई। हाँ, आज तक आरोपी नहीं मिला। अच्छा, एक वो बढ़िया कितना छोटा सा बीच में अभी भूल गए बताने के, 3-4 दिन पहले किसी ने बताया कि कुछ लोग वो हथियार तेज करवाने गए थे, चॉपर वगैरह को तेज करवाने गए थे किसी के पास, उसने बताया। हाँ, तो उसको तो 2 दिन पहले, इसके मर्डर के 2 दिन पहले जहाँ हथियार धार कर रहे थे। हाँ। वो लड़के ने पूछा कि तुम लोग क्यों ये कर रहे, तो बोले हम लोग चिंदी का मर्डर करने वाले ना। अच्छा। हाँ, तो जहाँ हथियार धार रहा था वो आगे इरफान को बोला कि इरफान भाई ऐसी सी बात है। हाँ। ये लोग मेरे यहाँ सब चौपर पर सब धार कराए और ऐसा ऐसा बोल रहे थे। हाँ। इसने बात को इग्नोर किया। लोग क्या करेंगे ना, वो भारी पड़ गया। हाँ, ना किसी डिपार्टमेंट वाले को उसने बताया, ना किसी साथ वाले को बताया। हाँ। अगर डिपार्टमेंट वाले को भी बताता तो कुछ ना कुछ रक्षा निकलता ना सर। बिल्कुल। अच्छा, जो ड्राइवर जब भागा पुलिस चौकी में, पुलिस को लाया तो छोटे में आके उतर की गाड़ी से देखिए इसकी बॉडी को लात मार के वापस चले गया। हाँ। छोटे मियाँ अपना नाम बचाने के लिए FIR में। हाँ। 3 नंबर जोन यहाँ वहाँ से तकरीबन 3 करोड़ रुपए दिया ना। अच्छा। हाँ, और कहीं ना कहीं ये छोटे मियाँ ने जो 500 करोड़ का लफड़ा किया IPL का, पहले IPL का। हाँ। पटर में उसका भी रोल है इस बात का ना। ओके। इरफान ने क्या किया था, जो दाऊद भाई का, जो दाऊद भाई का जो भाई अनीस भाई। हाँ जी। उससे उसने टाइम लिया था ना। ओके। हाँ, अब इसमें इकबाल भाई को बीच में डाला था। अच्छा। इकबाल भाई कुछ साथ में आके इसके टाट टाकी के बाहर साथ में बैठे रहता था इरफान के। हाँ। टाइम लेने के बाद ना। ओके। और वहां पर जब नूरा भाई का इंतकाल हुआ कराची में, तो उसी कुरान खानी भी इरफान का आना जाना वाला इधर। हाँ, वो डेथ तो पाकिस्तान में हुई थी ना, तो कुरान खानी यहाँ हुई होगी। कुरान खानी बोरी बोले में जो रखी गई थी, उसमें भी इरफान का आना जाना हुआ। हाँ, सारी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ओके। अच्छा, बम्बई पुलिस का कोई भी काम मुखबिर वगैरह होता नहीं सर। ओके। बम्बई पुलिस आज अपने को कहती है कि मैं स्टॉन लेके वाला हमारा दूसरा नंबर है ना। हाँ। सारा काम तो बम्बई पुलिस का मुखबिर करते हैं और ऑफिसर लोग तो AC में बैठ रहे थे ना। ओके। अच्छा, वो क्या हुआ था, वो जो आपका ये क्रिकेट का जो बैटिंग का था, वो IPL का, IPL का ये 500 करोड़ का लफड़ा हुआ था। अच्छा। छुट्टी में बड़ा बुकी था ना, IPL का भी बुकी था। अच्छा। इसने तो पैसा खा गया था। ओके। हाँ। इसने इरफान को बोला था कि ऐसी थी बात, तो इरफान ने क्या किया था, इकबाल भाई को बीच में डाल के। ओके ओके। दाऊद भाई का भाई जो भी जेल में ना, इकबाल भाई वो बाहर था उस टाइम पे। ओके। उसको बीच में डाल के अनिल भाई से इन्होंने टाइम लिए थे ना। हाँ हाँ। का पैसा था अनिल भाई का मैटर लग गया था। ओके ओके ओके। इकबाल भाई के बीच में पड़ने से कहता ना टाइम मिल गया था। अच्छा अच्छा, तो वही टाइम की आप बात कर रहे थे जो उसमें गलत। हाँ, ये कहीं ना कहीं जो ये है इसमें पैसा का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो पैसा बड़ा पैसे का लेन देन है। हाँ। क्योंकि छोटे मियाँ किया, वो छोटे मियाँ किया ये कालू पटेल काम करता था। हाँ। और आखिर जो है मेन आरोपी जो है वो कालू का लड़का है, कालू का एक ही लड़का है, जाकिर जो नाम है उसका। ओके। और जो कालू जो है शाहिद भाई के मर्डर के अंदर जो महमूद कालिया ने किया था मर्डर। हाँ। मेरा आई विटनेस था। अच्छा। और बम्बई के ज्यादातर गैंग वार वार को जानता है वो। अच्छा। और दूसरा वो पुलिस के नेटवर्क के अंदर भी ना, क्योंकि पुलिस का
इनके सारे कुटुंब गाने चलते हैं और दो नंबर के कारोबार है, मटके चलते है, बिल्डिंग है, जो भी सट्टाबाजी चलता है, पुलिस का लेन देन रहता है ना आपसे का। हाँ, हाँ, हाँ। किसी ने चालू पटेल जो सबको जानता था ना डिपार्टमेंट वाले को भी, हाँ। तो इरफान की मर्डर के टाइम पे इन लोगों ने नागपाड़ा चौकी सेलेक्ट करके रखे थे, क्योंकि नागपाड़े के अंदर की एक्शन के अंदर ज्यादा धंधा चलता है ना कुटुंब खाने का, क्लब जो इसी भी चलता है ना, बिल्कुल। ऑलरेडी चौकी वाले वापस देते ना, अच्छा पूरा मतलब बड़ी बड़ी साजिश थी, कोई इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। हाँ, ये बड़ी साजिश है ना, वहाँ पर वो 500 करोड़ का अगर लोचा है, हाँ। उसका जो पैसा बाजी था वो पैसा बच गया, बिल्कुल। यहाँ पर ये जाकिर को छोटे मियां ने इस्तेमाल करके, हाँ। पैसा भी बचा लिया और इन लोग की दुश्मनी पूरी हो गई, बिल्कुल। एक तीर से दो शिकार हो गए, बिल्कुल। पैसा वहाँ बच गया या इरफान का मर्डर हो गया, बिल्कुल। लेकिन मुंबई पुलिस का इससे नुकसान हुआ सर, जो इरफान के अंडर में लड़के लोग काम करते थे, 90% लड़कों ने उस मर्डर के बाद पुलिस में काम करना छोड़ दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पुलिस चाहती तो उनका इनकाउंटर कर सकती थी, बिल्कुल। सो दोस्तों, ये था किस्सा एक दोस्त का, अपने दोस्त की जिंदगी की कहानी जो उसने खुद सुनाई। और देखिए, जैसे कहते हैं किस्मत का खेल होता है, कि दो दिन पहले जैसे कि आपने सुना इरफान चिंदी को वार्निंग दी गई कि तुम्हें मारने की तैयारी हो रही है, लेकिन उसने उसको सीरियसली नहीं लिया, और वो एक उसकी छोटी सी गलती उसको कितनी भारी पड़ी। इसको कहते हैं नसीब। जो आदमी अगर कुछ है उसका उसका ध्यान रख लेता, अपने जो पुलिस वालों को बता देता या अपने साथियों को बता देता तो शायद, लेकिन मौत और ज़िंदगी में शायद शायद लफ्ज़ का कोई मतलब नहीं होता। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम अंदर के लोगों से अंदर की बातें करते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।